नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई अमर सिंह। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक समय पे वाईफाई और हॉटस्पॉट को दोनों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते हम। दोस्तों ये काम जो है हम कुछ ही डिवाइसेस में कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी तक एक ही डिवाइस में पाया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको जानते होगे कि अभी Redmi Note 5 Pro लॉन्च हुआ है, तो Redmi Note 5 Pro में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक ही टाइम पे वाईफाई और हॉटस्पॉट को अनेबल कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, तब तक हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं मेरा इस टाइम राइट नाउ इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तो मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ और यहाँ पे वाईफाई को क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं वाईफाई पर क्लिक करता हूँ, मेरा एक वाईफाई है अहिवरन के नाम से, पूरा नाम लिख रखा है। मैं आपको वाईफाई में दिखाता हूँ कि मैं वाईफाई ऑन करता हूँ, उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और आप ये देख सकते हैं ये मेरा हॉटस्पॉट डिवाइस है जिसके थ्रू मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी के थ्रू मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। मैंने ये वाईफाई ऑन कर दिया है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ थोड़ी देर तक, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे वाईफाई आ रहे हैं, जियो नेट, जियो प्राइवेट नेट, लेकिन जो मेरा वाईफाई है वो थोड़ी देर में अनेबल हो जाएगा। और मैं इसे एक बार और बंद करता हूँ फिर ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा आ गया है अहिवरन राजपूत के नाम से, तो ये देखिए मेरा कनेक्ट हो गया। अब मैं इसी टाइम पे मैं हॉटस्पॉट भी खोल के दिखाता हूँ आपको। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा हो कि फेक वीडियो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए मैंने हॉटस्पॉट भी ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ ऊपर दो सिंबल दिखा रहा है स्टेटस बार में। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है 68% बैटरी, उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ VoLTE, उसके बाद लिखा हुआ है वाईफाई, उसके बाद लिखा है हॉटस्पॉट। तो देखिए दोस्तों हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, यहाँ पे कोई भी अभी हॉटस्पॉट डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मेरा जियो फ़ोन है, ये मेरा जियो फ़ोन है, और मैं इसमें हॉटस्पॉट अभी कनेक्ट करूँगा, जो कि मैंने अहिवरन राजपूत के नाम से अपने फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, और इस फ़ोन का जो हॉटस्पॉट इस्तेमाल करके मैं इसमें जियो फ़ोन में इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे ऑन कर लेना है और इसे फिर थोड़ी देर तक प्रेस करना है। फिर थोड़ा मैं इसे अंधेरे में लेके जाता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके। दोस्तों मैं आपको जियो फ़ोन में दिखाता हूँ अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, और मैंने इसे जूम कर लिया है। आप देखिए आप हम इसमें चलेंगे, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है वाईफाई का। ये देखिए मैं वाईफाई पे क्लिक कर देता हूँ और वाईफाई पे थोड़ी देर तक क्लिक करके रखता हूँ, ये हमारा वाईफाई ऑन हो गया। अब मैं यहाँ सेटिंग पे क्लिक करूँगा, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है वाईफाई का, इसमें जाता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो वाईफाई यहाँ ऑन है, और यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर रखा है। अवेलेबल नेटवर्क पे जाता हूँ, जैसे ही मैं सर्चिंग मोड पर लगाऊँ यहाँ दो वाईफाई दिखाएगा, लेकिन ये नीचे तो दिख रहे हैं जियो नेट, जियो प्राइवेट नेट, ये तो अदर है। जो मेरा इस टाइम मेरा जो Redmi Note 5 Pro का है वही मेरा Redmi नाम का है। अब मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको हम शो पासवर्ड पर क्लिक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पासवर्ड शायद गलत कनेक्ट हो रहा है, हमारा गलत नहीं है, मैंने पासवर्ड सही डाला है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है Redmi कनेक्टेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरा जियो फ़ोन कनेक्टेड है और ये हॉटस्पॉट में मेरे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इसके लिए नोटिफिकेशन पैनल पे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अहिवरन नाम का मेरा जियो फाई नेट चल रहा है, और ये देखिए हॉटस्पॉट में यहाँ पे मेरा एक डिवाइसेस कनेक्टेड दिखा रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि देख सकें आप कि ये कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए स्टार नाम की एक डिवाइस आ रही है, जो कि यही मेरा जियो फ़ोन है जो कनेक्टेड है। तो दोस्तों आप इससे सीख गए होंगे कि आपको कैसे एक टाइम पे वाईफाई और हॉटस्पॉट कैसे चला सकते हैं। ये काम जो है आप अभी Redmi Note 5 Pro डिवाइस में ही कर सकते हो, इसके अलावा किसी डिवाइस में नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास Redmi Note 5 Pro डिवाइस है तो आप एक टाइम पे हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों का लुत्फ़ उठा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और आपको कोई भी सुझाव देना कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ऐसे ही वीडियो बनाओ, कोई टॉपिक आपको रेगुलर टॉपिक किसी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत जल्दी मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं ऐप्स के बारे में, और मैं एक बहुत सारे फ़ोन्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ भी लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं उस पर डील्स वगैरह भी बताता रहता हूँ कि कौन सी अच्छी डील्स आई है इस टाइम अमेज़ॉन वगैरह पे, या फिर नई वीडियो कौन सी आने वाली है, उन सारी चीज़ों का अपडेट टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।